नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आप सभी को जय श्री राम। आप भी बोलिए जय श्री राम, क्योंकि इस नाम से किसी के कानों में चुभन पैदा हो जाती है। वैसे तो वो कई भाषाओं की ज्ञाता है, लोग इन्हें दीदी के नाम से जानते हैं, पर इन तीन शब्दों से उन्हें परहेज है। वैसे तो ये तीन शब्द बड़े प्यारे हैं और इसे सुनकर राम भक्त जोश में आ जाते हैं, पर ये तीन प्यारे शब्द जय श्री राम ममता बनर्जी के कान पर पड़ते ही वो बौखला उठती हैं। राम का नाम सुनते ही सकपका जाती हैं, इसलिए लोग भी इन्हें जय श्री राम बोलकर चल देते हैं। यही वजह है कि ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है ममता बनर्जी को जय श्री राम। दरअसल ये ट्रेंड विधानसभा में हुए हंगामे के बाद शुरू हो गया। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंतरिम बजट पेश कर रही थी। राज्य की सियासत से ये पहला मौका है जब ममता खुद बजट पेश करने पहुंची। हालांकि ममता ने जैसे ही बजट पेश करने के लिए सदन में बोलना शुरू किया, विपक्षी दल हंगामा करने लगे। सबसे पहले लेफ्ट और कांग्रेस ने बायकॉट किया। उसके बाद बीजेपी विधायक भी जय श्री राम का नारा लगाते हुए सदन से वॉकआउट करके चले गए। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले बंगाल में एक सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पार्टी के नेता भी थे। ममता बनर्जी जैसे स्टेज पर पहुंची तो जय श्री राम जी के नारे लगने लगे, तो ममता ने इस पर काफी बवाल काटा था। नहीं नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। ये वही ममता है जब एक पार्टी समारोह में अल्लाह बोला गया था और वहां पर ममता भी थी, तब इन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन जय श्री राम के नारे से ये आग बबूला हो गई थी। यही कारण है कि बजट पेश के दौरान बीजेपी विधायक वहां से चले दिए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे वित्त मंत्री अमित मित्रा ने मुख्यमंत्री के बजट के लिए चुना है। मौजूदा विधानसभा कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। चुनाव से ठीक पहले ये बजट पेश किया जा रहा है, जिसके चलते राज्य के कई बड़ी और लोक लुभावन घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने राज्य के कृषक बंधु योजना के तहत किसानों के भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। अब किसानों के योजना के तहत 5,000 रुपए प्रति एकड़ के बजाय 6,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही ममता सरकार ने नए कानून किचन स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट तक किया है। कॉमन किचन माँ स्कीम के तहत आम रसोई खोली जाएगी, जहाँ बेहद कम दाम में खाना परोसा जाएगा। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।